है। वो पार्टिसिपेंट वन ही लिखा हुआ है, कैलेंडर से ही। और हाँ मेरे को आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम कम आ रही है। यस स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैम। काफी टाइम एक्चुअली गुजर गया, मैं कोशिश काफी करती हूँ, पता नहीं वो नहीं हो रहा था, इसके साथ लिंक नहीं हो रहा था। पिछली दफा हमने एंडोक्राइनोलॉजी पे हार्मोन शुरू किए थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड होता है जो कि, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये मास्टर बोर्ड कह रहे हैं, कि ये स्विच ऑन एंड ऑफ करता है, कि पिट्यूटरी को बताता है कि ये इसको जो हार्मोन है उसको रिलीज करना है या इनहिबिट करना है।
तो ये ऑन एंड ऑफ का हाइपोथैलेमस काम करता है. बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिल के काम करते हैं. हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस थ्रू नर्वस सिस्टम उसको मैसेज आता है कि कोई हार्मोन जो है अगर रिलीज करवा रहा है, तो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर रिलीज करे, या इनहिबिट करवा रहा है तो इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करता है. ठीक है, वो पिट्यूटरी को जाता है, पिट्यूटरी फिर जो है हार्मोन रिलीज या इनहिबिट करता है ग्लैंड के थ्रू. ये थोड़ा सा पढ़ा था आप लोगों ने? यस मैम. हार्मोन्स जो है वो ब्लड पे जाते हैं और ब्लड से फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जो टारगेट साइट है वो उसको रिस्पॉन्स करती है. पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉइड नेचर में होते हैं, एमाइंस होते हैं, इकोसाइडॉइड्स होते हैं. जो पेप्टाइड्स होते हैं उसमें सारे जो होते हैं उनको इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली या सबक्यूटेनियसली देते हैं. ओरली इसके लिए देते हैं कि प्रोटोलैक्टिक एंजाइम है जो उसकी ब्रेक डाउन कर देगा अगर इसको ओरली दिया हार्मोन्स को, तो एंजाइम्स को सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली देते हैं. वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल होते हैं. उसके अलावा रिसेप्टर्स बताए थे कि कुछ रिसेप्टर्स सरफेस के ऊपर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और कुछ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. और जो हार्मोन है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने रिसेप्टर साइट पर जाकर बाइट करेगा. अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन डिजीज ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो या तो हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो HRT लिखा है वो करेंगे, या फिर हार्मोन बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट या जो इनहिबिटर्स हो गए वो देंगे उसको, ताकि वो इनहिबिट हो जाए हार्मोन. और हार्मोन रेजिस्टेंस जैसे सेंसिटाइजर्स, अगर हार्मोन जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि हार्मोन सेंसिटाइजर्स उसमें ये हुआ है कि हार्मोन जो है ना रेजिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन टारगेट ऑर्गेन रेजिस्ट हो चुका है, वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा. जैसे डायबिटीज होती है, डायबिटीज टाइप 2, उसके अंदर जो इंसुलिन है वो तो प्रोड्यूस हो रही है, टाइप 1 में वो नहीं होती प्रोड्यूस, टाइप 2 में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसको जो है टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता. ठीक है, उसका वो काम कोई नहीं हो रहा होता. इसी तरह जो हार्मोन इसमें हार्मोन सेंसिटाइजर्स देंगे, जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो हार्मोन सेंसिटाइजर्स देते हैं. ये सोर्सेज बताए हुए नेचुरल सोर्सेज है, ह्यूमन या एनिमल से लेते हैं, और दूसरा बायोसिंथेटिक है, इंसुलिन सिंथेटिक जो है उसमें DNA रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं. ये बताया हुआ है, दिखाया हुआ है हाइपोथैलेमस, दिखाया हुआ है हाइपोथैलेमस जो है थ्रू हाइपोपोर्टल सिस्टम, हाइपोपोर्टल सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन. जो चीज़ अगर उससे कोई हार्मोन जो है वो रिलीज करवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा. अगर वो कहेगा ग्रोथ इनहिबिट करवा दे ग्रोथ हार्मोन को, तो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. इसी तरह मुख्तलिफ हार्मोन स्टिमुलेटर्स या फिर इनहिबिटर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है पिट्यूटरी ग्लैंड काम करते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी. जितने हार्मोन्स हैं वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेप्ट टू हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, वहां पर स्टोर्ड हुए होते हैं, वो आगे मैं बताती हूँ. The output of the hypothalamus pituitary unit regulates the function of thyroid, adrenal and reproductive glands and also controls somatic growth, lactation, milk secretion and water metabolism. And these are the hormones that are functioned in the body. कोई जो है वो milk production करेगा, जो sexual hormones होते हैं, lactation वगैरह milk production, उसके अलावा somatic growth वगैरह में ये काम करते हैं, reproduction, reproductive glands, उसके अलावा थायराइड हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल
एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एडीनोकॉर्टिकोटोफी रिलीजिंग फैक्टर होता है जिसके थ्रू कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। ये सारे हार्मोन्स हैं, इनके मुख्य फंक्शन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कैन हैव इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जितने भी हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो से उसके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स जो है ये सारे सिक्स हार्मोन है। सिक्स हार्मोन्स जो है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के। एंटीरियर पिट्यूटरी बेस एंड रिलीज दीज हार्मोन्स अंडर रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंगली वो ये हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर करता है या सीक्रेट करता है हार्मोन्स। ये एच जो है वो हार्मोन्स लिखा हुआ है that are made in the hypothalamus. Hypothalamus दो hormones बना देता है, oxytocin और दूसरा anti-diuretic hormone जिसको vasopressin भी कहते हैं। ये दोनों hormones बनाता है जो कि posterior pituitary में store हो जाते हैं। अब जो आपको MCQ आ सकता है कि posterior pituitary का कौन सा hormone है, अब सारे जो है वो anterior pituitary के दे देंगे, एक जो है वो oxytocin या anti-diuretic hormone दे देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि इन दोनों ये अगर उस ऑप्शन में होंगे तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अच्छा ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बताया हुआ है कि कैसे हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा है। नंबर वन स्टेप में जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये इन्होंने एंटीरियर का बताया हुआ है कि रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स into the hypothalamo-pituitary portal system. ये जो paraventricular nucleus है ये hypothalamus का nucleus है, ये supra optic nucleus दोनों hypothalamus के nucleus है। अच्छा इसमें से बताया कि releasing और inhibitory hormones produce करेगा जो फिर through hypothalamo portal system के through जो है वो pituitary में जाएंगे। Hypothalamic releasing and hypothalamic inhibitory hormones are carried out the pituitary stalk by the hypothalamo-pituitary portal system. यहाँ से नीचे आ जाएंगे pituitary के अंदर। अब pituitary का एक posterior pituitary part है, एक anterior pituitary है। So, hypothalamic releasing and inhibiting hormones increase or decrease response the release of बस वही के वो anterior रिलीज करवाएंगे या इनहिबिट करवाएंगे हार्मोन्स को। जो पोस्टीरियर भी है उसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये सिंथेसाइज होते हैं बाय द पैराविट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस के और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के थ्रू। फिर जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं पिट्यूटरी स्टॉक के ही थ्रू, यहाँ से ये पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू ये चले जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अच्छा अब जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिट करवाएगा। जो सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन मतलब स्टैटिक कर दिया, से रोक दिया है, तो ये एक ग्रोथ को रोक देता है। इसके अगेंस्ट सोमैटोट्रोफिन होता है यानी ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ को रोक देता है और सोमैटोट्रोफिन जो है वो ग्रोथ करता है, ठीक है। ये दोनों जो है इनके अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रोथ हार्मोन काम करता है और ये दोनों हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन को या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। फिर उसके बाद थायरोटोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका इफेक्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेगा और वो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के। इसी तरह गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन और डोपामाइन है ये प्रोलैक्टिन पर इफेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो है इस पे दो ही हार्मोन्स है,
एंटीडायुरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर के। ग्रोथ हार्मोन का बताया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी वो फैक्टर जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा टुगेदर विद सोमैटोस्टैटिन कंट्रोल रिलीज, यानी कि सोमैटोस्टैटिन रोक देता था और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोट्रोफी की करवाएगा रिलीज करवाएगा, यानी कि ग्रोथ को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ चाह रहा है कि ग्रोथ हो तो उसके लिए सोमैटोट्रोफी ग्रोथ हार्मोन को ही कहते हैं, वो रिलीज करवाएगा और दोनों मिलके सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोफिन मिलके जो है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करेगी। इट इज जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है, इन अ पल्सेटाइल फैशन विद 5 to 9 मेजर पल्सेस डिटेक्टेड पर डे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एनहांस करता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को भी, उपवाइड जो है ना उसमें इनहेंस होता है उनको करता है। उसके अलावा ये जब एक्सरसाइज वगैरह की जाए तो उसमें ज्यादा रिलीज होता है। अभी तक सब समझ आ रही है, कोई चीज जो ना समझ आई हो? मैम ओपियोइड्स किसको बोलते हैं? एक मिनट, क्या आवाज ऐसा आ रही थी? मैम ओपियोइड्स किसको बोलते हैं? किसको? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स पेन रिलीफिंग जो होते हैं, पेन रिलीफ करते हैं। मैम एंटी डायरियल एजेंट्स के अंदर इनको पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम। क्या पढ़ा था? मैम इनको ओपियोइड्स को हमने लास्ट टाइम एंटी डायरियल इफेक्ट्स के अंदर सॉरी एजेंट्स में पढ़ा था ना। हाँ इसको पढ़ा था उसके अंदर। यस मैम एंटी डायरियल वही वाला ना, एंटी मोटिलिटी। हाँ अच्छा, पिछली दफा एक बात कर रहे थे कि वो जो बात की थी कि लेक्सेटिव्स की और उसकी क्या था वो लेक्सेटिव डिपेंडेंट हो जाता है बंदा। जी मैम वो एक्चुअली ये था कि साइकोलॉजिकल मैंने बाद में सर्च किया था, साइकोलॉजिकली बंदा डिपेंडेंट होगा लेकिन इतना नहीं होता लेक्सेटिव्स पे, जो आपके मसल्स होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो लार्ज इंटेस्टाइन कोलन स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल जो मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, मोटाइल कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के अंदर, जब हम मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी हम उनको लेक्सेटिव ले रहे हैं तो उसके बाद फिर वो मोटाइल करते थे कि वो स्टूल पास आउट हो जाए। तो जब अगर हम ये लेक्सेटिव्स वगैरह कम कर देंगे ना तो मतलब बिल्कुल छोड़ दे बंदा, जैसे वो मैंने कैस्टर ऑयल वगैरह छोड़ दे अगर बिल्कुल, तो ये होता है कि मसल्स काम उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो फिर काम सही तरह नहीं करते। तो इसमें ये होता है कि उसको जो एक मैंने फिर बाद में उसको समझी नहीं थी, क्वेश्चन ये था कि किसी ने पूछा था कि ये जो डिपेंडेंसी है इसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, वो ये था कि आप डिपेंडेंसी जो है ना उसको टैपर करके ख़त्म कर सकते हैं। जब भी कोई डिपेंडेंट हो जाए ना, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं या साइकैट्री की मेडिसिन होती है, तो उसको डिपेंडेंसी को कम करने के लिए उसे टैपर कर देते हैं डोज को, कि अगर 5 गोलियाँ फिर 4 कर देंगे, तो इसी तरह ये ऐसा ऐसा थोड़ा करते रहते हैं इसको ताकि जो है ना वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो उसकी, कैथार्टिक डिपेंडेंसी जो पड़ा था। ठीक है ओके मैम। अच्छा इस पे डायग्नोस्टिक यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये सर्बोरिलीज जो है ये देते हैं डायग्नोज करने के लिए कि कहाँ डिफेक्ट है, जो ग्रोथ हार्मोन डेफिसिट हो गया ग्रोथ हार्मोन सही नहीं प्रोड्यूस हो रहा। To test pituitary function in patients with growth hormone deficiency could reflect या तो hypothalamic defect होगा या pituitary defect होगा। If the hypothalamic, as it in most cases, growth hormone releasing hormone will elicit an increase in growth hormone release. Growth hormone ज़्यादा release हो रहा शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर pituitary में defect है तो growth hormone पर कोई effect नहीं होगा उसका, growth hormone normal होगा। तो ये इसका इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर यूज करते देते हैं
तो देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट क्यों है, आइदर वो पिट्यूटरी का कोई मसला है या हाइपोथैलेमस का, उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है। थेरापेटिक यूजेस इसके क्या है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये क्या ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। तो पल्सेटाइल सबक्यूटेनियस डिलीवरी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ब्रेकिंग द नॉर्मल एंडोजीनियस पैटर्न that for example every 3 hours has been used to stimulate, ये अगर देंगे तो patient क्या करेगा, growth hormone बनाना शुरू कर देगा जो कि growth hormone deficient था, अगर origin आपका cause जो है वो pituitary नहीं है तो। इसमें जो इसको intravenously देते हैं subcutaneous या intranasally देते हैं इस hormone को। अब आ जाएगा somatostatin growth hormone releasing inhibitory hormone, ठीक है, जो इनहिबिट करे ग्रोथ को, वो सोमैटोस्टैटिन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है। इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकेगा। इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज एंड थायराइड पर भी इसका इफेक्ट होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर भी। बेसिकली इसके 3 इफेक्ट हो गए, एक तो ये GIT के जो स्पीशीज है उन पर भी इफेक्ट करेगा, उनके रिलीज को इनहिबिट करेगा, GIT की हार्मोन है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स पर अफेक्ट करेगा, और तीसरा थायराइड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, जो ग्लूकागॉन इंसुलिन और गैस्ट्रिन इन सबको ये रिड्यूस कर देगा जो सोमैटोस्टैटिन है। कोई क्वेश्चन है? यस मैम, ये जो GIT के हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा ये तो उसका साइड इफेक्ट नहीं हो गया? इसको यूज भी करते हैं, अगर जरूरत है कि भी गैस्ट्रिक स्पीशीज ज्यादा हो रही है तो हम इनको यूज कर लेते हैं, मतलब काउंटर बैलेंस रहता है ना। अच्छा, थेरापेटिक यूजेस ऑफ सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जो होगा जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इज ऑफ नो क्लिनिकल वैल्यू बिकॉज इट्स शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली। लेकिन octreotide जो है ये भी somatostatin है, a synthetic somatostatin at a log with a longer duration of action, इसका एक्शन ज्यादा देर तक रहता है। इसके अलावा lanreotide ये भी जो है somatostatin है, इसका भी बहुत ज्यादा longer action है, और ये administer हमें सिर्फ 2 दफा मंथ में करनी है, और ये दोनों तब हम देते हैं जब एक्रोमेगैली होगी, यानी हार्मोन्स ज्यादा होगी हैं ग्रोथ के, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगैली में क्या होता है कि बोन्स वगैरह लार्ज ज्यादा एबनॉर्मली ग्रो कर जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बंदे की, या अगर वो बचपन में चाइल्डहुड में ये मसला शुरू हो गया किसी बच्चे में तो जिगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म उसको कहते हैं, जिसमें बच्चा एबनॉर्मली उसकी एबनॉर्मल हाइट हो जाती है, तो फिर अब ये वाले देते हैं हार्मोन्स। उसके अलावा यूज टू ट्रीट एक्रोमेगैली। मैम ये क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा एंड ग्लूकागोनोमा, क्या चीज? ये जो टर्म लिखी हुई है ना गैस्ट्रिनोमा, ट्यूमर ट्यूमर गैस्ट्रिक ट्यूमर्स जो होते हैं, ग्लूकागोनोमा ये ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिन ग्लूकागोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ग्लूकागॉन क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, शुगर लेवल्स को। तो अगर कोई इस तरह का ट्यूमर्स हो गए हैं तो उसमें हम ये दे देते हैं, गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या ग्लूकागॉन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, या एक्रोमेगैली हो गया, उसकी हाइट ज्यादा हो गई है, उसकी बोन्स वगैरह ज्यादा हो गई है, या कोई भी ट्यूमर है जिसमें स्पीशीज ज्यादा हो गई है, या एसोफेजियल वेरिशीज ब्लीडिंग हो गई है, यानी कि जो एसोफिगस होती है आपकी उसके गिर्द जो है वो ब्लड वेजल्स बन जाती है और वो फिर लीक आउट हो जाती है, वहां ब्लीडिंग हो जाती है और फिर वो रक्चर होना शुरू हो जाती है। तो उन सारी कंडीशंस में जो है ना ये हम ये दे देते हैं लैनरियोटाइड, क्योंकि इसका फंक्शन ये है, ये गैस्ट्रिक स्क्रीशंस को कम करता है, उसके अलावा ये जो है ग्रोथ को ऊपर इफेक्ट है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है सोमैटोस्टैटिन का। ये उसकी क्लिनिकली यूज 2 फॉर्म्स है, octreotide और दूसरी जो है वो lanreotide। समझ आ गई इसकी? जी मैम।
अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो आप पूछ रहे थे, जीआईटी डिस्टरबेंसेस कर देगा, उसके अलावा पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा, जो खाने के बाद आफ्टर द मील जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा आएगी शुगर, ठीक है, तो उस पर इसका इफेक्ट होगा। उसके अलावा गॉल स्टोन्स ऑफन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज बिलरी फ्लो एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस, गॉल स्टोन्स भी बना देगा। उसके अलावा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये कौन, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा, और फिर इसका इफेक्ट क्या होगा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जहाँ से ये क्या करेगा थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जिसे कहते हैं, वो रिलीज करवाएगा। और इसके बाद ये क्या होता है, ये यूज करते हैं ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड फंक्शंस को देखने के लिए। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं बॉडी के अंदर और देखते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना है ब्लड में। ये बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल है जो डायग्नोज करेगा कि थायराइड की डिसफंक्शनिंग हो रही है, वो प्रॉपरली हार्मोन रिलीज कर रहा है कि नहीं। इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, प्रोटाइलिन इंट्रावीनसली देते हैं। फिर ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा, और ये भी क्या करेगा स्टिमुलेट करवाएगा एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन को और बीटा एंडोरफिन। ये बीटा एंडोरफिन जो है ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में रिलीज होता है, तो इसका इफेक्ट जो है कॉर्टिकोट्रोफिन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रहा है रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों चीजें रिलीज करवाएगा। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कैन बी यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक, और ये भी उसी तरह जिस तरह थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था उसी तरह ये भी डायग्नोसिस के तौर पर यूज हो रहा है कि जो एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन से इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कम, उसको डायग्नोज करने के लिए ये दिया जाता है। उसके अलावा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करवाएगा। ये क्या करता है स्टिमुलेट द गोनाडोट्रोफ सेल्स टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई नीचे। और फिर बताया हुआ है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्विडिस्ट सबक्यूटेनियसली देते, जो कि फिर क्या रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोफ हार्मोन्स रिलीज करवाता है, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये सबक्यूटेनियसली ये प्रिपेयर करके सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, और नॉर्मली जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन होता है वो ये परफॉर्म करता है। अभी तक तो कोई चीज जो ना समझ आई है इसमें? आगे समझ आ रही। ये बहुत रट्टे वाली चीज है जो पढ़ के ही अच्छी तरह से पढ़ ले। पहले ये पढ़ी भी है सारी चीजें। पढ़ी भी है? जी मैम। अच्छा, अगर इसकी कॉन्स्टेंट डोजिंग देंगे ना, इन कंट्रास्ट स्टडी डोजिंग इनहिबिट्स गोनाडोट्रोफिन रिलीज बाय कॉजिंग डाउन रेगुलेशन और डीसेंसिटाइजेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स इन पिट्यूटरी सेल्स दैट नॉर्मली रिलीज गोनाडोट्रोफिन। यानी अगर ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट अगर कॉन्टिन्यूसली दे रहा है तो इसका एक इफेक्ट ये न मिले अब तक कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं पिट्यूटरी के ऊपर जिन्होंने गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करना होता है उनको क्या होता है कि वो क्या होता है वो डिसेंसिटाइजेशन हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। डिसेंसिटाइज मतलब कि एक चीज आप बार बार किसी चीज को एक्सपोज करे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को किसी चीज से एलर्जन है वो, तो इसका हल ये होता है कि उस एलर्जन को थोड़ी थोड़ी मिकदार से उस बंदे को एक्सपोज करते रहते हैं उसके ब्लड में, तो वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है, वो उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव या नेगेटिव शो नेगेटिविटी या पॉजिटिव शो कर रहा था फीलिंग्स वो बंद कर देता है, सेंसिटाइज नहीं रहता वो, उसको इमोशन लेस ही हो जाता है, फीलिंग लेस। तो ये एलर्जी में अक्सर ये डिसेंसिटाइजेशन ये थेरेपी के तौर पर यूज करते हैं ताकि वो इम्यून हो जाए उस चीज का, थोड़ी थोड़ी डोज में देते रहते हैं। तो अगर इसी तरह ये देंगे तो क्या होगा, इसका एक ये इफेक्ट होगा कि रिसेप्टर्स जो है ना वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाएंगे। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट बाय पल्सेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ हाइपोकोडाइडल स्टेट्स, जिन लोगों में फीमेल्स या मेल इनफर्टाइल है, स्पर्म काउंट कम है या फीमेल्स के अंदर, उनमें हम ये दे देते हैं. तो ये जो ताकि नॉर्मल सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए. Continuous gonadotrophy releasing hormone agonists are used in sex hormone dependent condition. Achha, prostate या breast cancers, uterine fibroids, endometriosis, इन सब में यूज करते हैं. ये जो इसके अंदर प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर है इसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इफेक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन पर भी. ठीक है, ये जो gonadotrophy releasing hormone है टेस्टोस्टेरोन को भी ज्यादा कम करेगा. जिस तरह रिलीजिंग हार्मोन है तो ज्यादा रिलीज करवाएगा. टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोस्टेट की जो है प्रोस्टेट वगैरह प्रोस्टेट कैंसर में ज्यादा हो जाता है. तो ये हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग एगोनिस्ट देते हैं एज अ क्लिनिकल क्लिनिकल थेरेपी के तौर पर. ठीक है, ये इनमें भी इसका रोल है. उसके अलावा यूट्रस अगर फाइब्रॉइड हो गया, यानी यूट्रस जो है वो ग्रोथ कर रहा है, यूट्रस की ग्रोथ शुरू हो गई है, फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो गया, यानी ग्रोथ मुख्तलिफ जगहों पर यूट्रस ग्रो होना शुरू हो गया है, तो उस वहाँ पर भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में भी देते हैं. एंडोमेट्रोसिस, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अगर अफेक्टिव हो गया तो उसमें भी ये दे देते हैं, एगोनिस्ट देते हैं. क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जो जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वगैरह या एंडोमेट्रोसिस है, ये इनफर्टाइल कर देती है, तो इन कंडीशन में इसको देंगे. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन डोपामिन. डोपामिन इज द फिजियोलॉजिक इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज. ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को. इसमें एग्जाम्पल ज्यादातर यूज नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स पेरिफेरल इफेक्ट एट द नीड फॉर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. डोपामिन इज नॉट यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया. प्रोलैक्टिन का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये यूज नहीं होता, लेकिन इस पे जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये यूज होती है. उसके अलावा अदर डेरिवेटिव्स में ये दो लिखी हुई है, कैब्रोगोलिन और परगोलिन यूज होती है. रिड्यूसिंग द प्रोलैक्टिन सेक्रीशंस को ये अफेक्ट करती है और कम कर देती है प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन. ये प्रोलैक्टिन डोमास जब ट्यूबर्स बन जाएंगे तो प्रोलैक्टिन बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए ये फिर ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं. बाजुका जो है वो एक पेशेंट था, उसको ब्रेस्ट फीमेल पेशेंट थी, तो उसको ना ब्रेस्ट की अंदर वो लैक्टेटिंग मदर थी, तो उसको ना बच्चे को दूध पिलाती थी. उसने उसको लगा कि जी मेरा जो ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है. तो फिर जब उसने अपने बच्चे को दर्द थी उसको थोड़ी सी ब्रेस्ट पे, तो वो फिर उसने जब अपना दूध छुड़वाया था उस पेशेंट ने, मुझे याद है, तो उसने फिर कहा कि उसको ये ब्रोमोक्रिप्टी जो थी ये सजेस्ट की गई थी, ये दी उसको. फिर उसके बाद जो है वो कहती रही नहीं, वो तो दूध तो फिर आ रहा है, बच्चा तो छोड़ दिया. तो एट द एंड पता चला था कि उसको कैंसर हुआ है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर. हालांकि कहते हैं कि माँ जरा सेफ हो जाती है जब फीडिंग मदर फीडिंग करवा रही होती है बच्चे को, लेकिन उसको ये फिर कैंसर डायग्नोज हुआ था. उसकी वजह से ब्रेस्ट से वो डिस्चार्ज हो रहा था, उसको वो मिल्क नहीं था, वो डिस्चार्ज था. अच्छा, उसके अलावा ये जो है इसका इफेक्ट जो है वो आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोबगैली. ये जो है एक्रोबगैली में भी ये यूज होता है, यानी ग्रोथ को ग्रोथ के ऊपर इसका इनहिबिट करेगा ग्रोथ को. एडवर्स इफेक्ट ये कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी और साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन एंजाइटी वगैरह हो सकती है उसको. उसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है किसी को पता है मैम? पोस्टुरल हाइपोटेंशन जी. उसके अंदर वो जो सही है, पोस्टुरल भी कहते हैं और ये ऑर्थोस्टैटिक भी. ठीक है, जब पोजीशन चेंज करते हैं लेटे हुए तो खड़े हो गए तो सारा जो ब्लड ड्रॉप हो जाता है प्रेशर. ये जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स बताए हुए, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर बताए हुए. पोस्टीरियर तो दो ही हार्मोन्स है ये याद रखता है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन. जैसे टाइम क्या हो गया आपका, अगली क्लास है आज या बस खत्म? अब नो मैम, मेरा ये लास्ट ईयर. अच्छा, एंटी डायुरेटिक हार्मोन ये लॉस्ट ऑर्डर मैम क्लास का, इसके बाद कोई भी नहीं होती.
अच्छा मैंने वो अभी एक बात याद दिला, मैं ही पढ़ा दूँ फिर एक बात पूछनी थी वो आपके क्विज की ना, तो जरा मैं खत्म कर लूँ उसके बाद फिर उस पर करते हैं। अच्छा एंटी डायोरेटिक हार्मोन इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। बेसिकली एंटी डायोरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है, बाकी सारे जो है छह हार्मोन वो उसके एंटीरियर पिट्यूटरी के। इनका जो ऑक्सीटोसिन है इसका अफेक्ट जो है यूट्रस के ऊपर भी है, उसके स्मूथ मसल्स के ऊपर और मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर भी है। ये मिल्क प्रोडक्ट मिल्क को ले डाउन भी करते हैं, मिल्क जो है वो निकले निपल्स में से। और जो है ये ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्रस पर इफेक्ट इस तरह की ये जो है लेबर पेन करता है, लेबर में कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन है सेकेंड वाला जो है ये किडनीज के जो वो कोलेक्टिक ट्यूब्यूल होता है, डेफ्रॉन देखा होगा उसके आखिर में एक मोटा सा ट्यूब्यूल बना होता है, उसमें से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है, वाटर को निकलने नहीं देता। जिन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज इंसिपीडियस हो जाती है, यानी डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट, उसे डायबिटीज इंसिपीडियस कहते हैं, यानी यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा, यूरिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, डायल्यूट यूरिन होता है और थ्रस्ट भी लगती है ऐसे पेशेंट्स को, तो उनमें फिर वैसोप्रेसिन देते हैं या एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स देते हैं ताकि वो उसको रीअब्सॉर्ब करें वाटर को, वाटर यूरिन के थ्रू सब निकलता है। अच्छा उसके अलावा इसमें जो है एंटीरियर पर इसके गोनाडोट्रोफिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ओवरीज और टेस्टिस पर अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है बोन्स टिश्यूज इन पर अफेक्ट करेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन करेगा, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं, रिलीज करवाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड से थायराइड हार्मोन रिलीज है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा इंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसमें ग्रोथ हार्मोन का बताया हुआ है कि इसको सोमैटोट्रोफ सेल्स ड्राइव फ्रॉम द सोमैटोट्रोफ सेल्स, सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस या सोमैटोस्टैटिन, ये इन दोनों चीजें जो है ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट या स्टिमुलेट करती है। न्यू बॉर्न में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, फिर 4 ईयर्स का होता है तो इंटरमीडिएट लेवल्स में जाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है और फिर आफ्टर प्यूबर्टी ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो लिवर प्रोड्यूस करता है, रिलीज होता है लिवर से, और ये क्या करता है इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। ये सोमैटोस्टैटिन की स्टिमुलेट करता है, उसकी स्क्रीशन करवाता है हाइपोथैलेमस से। तो बेसिकली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो लिवर रिलीज करता है ये भी ग्रोथ पर इसका क्या इफेक्ट है कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बताए हुए कि क्या क्या कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है, प्रोटीन को जो है वो बनाता है, प्रोटीन एनाबॉलिक है यानी बिल्डअप करता है। उसके अलावा ये क्या करता है इंक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स, ये एक सोर्स है एनर्जी का, इसी वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन ड्यू टू सर्टेन एथिक्स और मेडिकली इसको जो है वो इसको अब बैन कर दिया ग्रोथ हार्मोन को यूज करना, एथलीट्स बहुत यूज करते थे और जो बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो क्योंकि अगर उन्हें को लगा कि अगर ये यूज कर रहे हैं तो उनकी एबिलिटी को अब सही तरह जज नहीं कर सकते तो ये बैन हो गया, उसको मिस यूज कर रहे थे बहुत ज्यादा। और इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, इंसुलिन जो है उसके मसल के अंदर डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मसल्स, तो बेसिकली प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी या तो जेनेटिक फैक्टर्स होंगे या एक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। अगर एक्वायर्ड जेनेटिकली तो ग्रोथ हार्मोन जेनेटिकली कम है जी, या फिर ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, सर्जरी या रेडियोथेरेपी या सर्टेन ट्यूमर हाइपोथैलेमस का उसकी वजह से हो सकता है। कैन हैव अ जेनेटिक बेसिस और कैन बी एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू या तो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को कोई डैमेज हो गया है,
सर्टेन इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से, रेडियोथेरेपी की वजह से, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन कम हो गया। बच्चों के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, एडिपोसिटी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा ग्रोथ हार्मोन अगर कम है, डेफिशिएंट है। ग्रोथ हार्मोन वैसे क्या करता है, एनर्जी कर रहा था, एनर्जी दे रहा था, ग्लूकोज इंक्रीज कर रहा था उसकी आउटपुट, अब वो कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड में कर दी है। एडल्ट के अंदर जनरलाइज्ड ओबेसिटी करेगा, मसल मास रिड्यूस कर देगा। ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेस अगर हो जाए, मेनली बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हो जाती है, और इसमें क्या होता है, एक्रोमेगैली करता है, या फिर ये क्या करता है, जिगैंटिज्म करता है। अगर जो इफ दिस ऑकर बिफोर द लॉन्ग बोन एपिफिसिस क्लोज, इट लीड्स टू द रेयर कंडीशन जिगैंटिज्म कर देगा। ट्रीटमेंट इसका ये है कि ये सारे डीवीएस सिंथेटिकली सोमेटोस्टैटिन देंगे अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके डिसऑर्डर है, या फिर डोपामीन दे देंगे एगोनिस्ट, सर्जिकल रिमूवल, रेडियोथेरेपी कर देंगे, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट देंगे ताकि ग्रोथ हार्मोन रुक जाए, कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए। एन एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज जिगैंटिज्म, वाइल अ लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज ड्वार्फिज्म, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। फिर उसके बाद सोमैटोट्रोफी जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अच्छा, क्लिनिकली का यूज होगा, जब ग्रोथ हार्मोन कब होगा तो अब सोमैटोट्रोफी दे देंगे कि ये ग्रोथ हार्मोन, ये शॉर्ट स्टेचर है, दिस इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। कोई टर्नर सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, या इडियोपैथिक कॉजेज अननोन, या क्रॉनिक रेनल फेलियर हो गया, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कब होता है, तो सोमैटोट्रोफी देते थे। टर्नर सिंड्रोम का पता है, यस मैम, ये अम्मों के क्रोमोसोम नंबर की वजह से होता है, एक क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम होता है, नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम में कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो उनका हार्ट अटैक से ड्रॉप हो जाता है, उसमें हाइट छोटी रह जाती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफी दे देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस पर इफेक्ट करते हैं, पैक्रियाज के ऊपर, गायनेकोबेस्टिया कर देते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट विद मेल्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ एब्यूसिव यूज, ये वही बात लिखी हुई कि स्पोर्ट्समैन जो है एब्यूसिव यूज करने लग गए थे इसका, तो ये ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी जिससे इसको पहली दफा जो है वो बैन कर दिया था, और फिर काफी जगह पे बैन हो गया था। उसके अलावा थायराइड स्टेबुलेटिंग हार्मोन जो इसको थायरोट्रोफीज भी कहते हैं, थायराइड स्टेबुलेटिंग हार्मोन T3 T4 स्टिबुलेट सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड करेगा। डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर यूज हो रहा है कि अगर एक दफा सर्जरी करके थायराइड कार्सिनोमा खत्म कर दिया है तो उसकी रीअकरेंस तो नहीं होगी, उसके लिए हम इसको TSH लेवल्स चेक कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक टूल है ये। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफी, ये भी एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज हो रहा है कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन देखता है, ये मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में लिखा हुआ भी होगा, जो जब थायराइड हार्मोन वगैरह पड़ेंगे। स्टिबुलेट कॉर्टिकोस्टेरोल सेक्रेशन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और मेडुला एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं, उसमें कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल की ये स्टिबुलेट करता है कॉर्टिसोल सेक्रेशंस को बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये भी यूज होते हैं एज अ टेस्ट और टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, जैसे वो थायराइड का यूज हो रहा था। अच्छा, FSH follicle stimulating हार्मोन है, ये क्या करता है, ovulation करवाता है, यानी एक egg की growth पर effect, इसमें दो हार्मोन है बेसिकली जो सेक्स हार्मोन है, एक follicle stimulating हार्मोन बताया हुआ, ये estrogen levels को stimulate करेगा, estrogen को promote करेगा, promote secretion of estrogen by ovaries, और male के अंदर ये चाहिए होता है क्योंकि अगर sperm production के लिए चाहिए होता है। इसमें क्लिनिकली इसको यूज करते हैं एज अ यूरोपॉलीट्रोफी प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द यूरिन, ये जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है जिसको पोस्ट मेनोपॉजल मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, पोस्ट मेनोपॉजल उसके यूरिन में प्रोड्यूस होता है। दूसरा टू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स है,
फॉलीट्रोपिन अल्फा और फॉलीट्रोपिन बीटा, ये दो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो इनफर्टाइल होते हैं, मेल और फीमेल्स, क्योंकि स्पर्म वगैरह की प्रोडक्शन करवाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और फीमेल्स में भी जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये वो रिलीज कर, FSH जो है ये एस्ट्रोजन लेवल्स और ओव्यूलेशन बेस का रोल है, ये जो एग है उसकी ग्रोथ करवाता है। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओव्यूलेशन, यानी एग जो है उसको रिलीज करवाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर सेल्स का, अगर तो प्रेगनेंसी हो तो फिर तो कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ रहता है, बट अब फिर 10-15 डेज बाद ब्रेक हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रेगनेंसी में इसके लेवल ज़्यादा होते हैं। मेल्स के अंदर स्टिमुलेट करता है सेल इन द टेस्टिस टू स्क्रीट टेस्टेरॉन, तो इसलिए ये भी इनफर्टाइल मैन और वुमेन को दिया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग अल्फा अप्रूव्ड फॉर यूज इन कम्बिनेशन विद पॉलीट्रोपिन अल्फा फॉर स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन इनफर्टाइल वुमेन विद प्रोफाउंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेफिशिएंसी, उसमें ये देंगे। प्रोलैक्टिन बताया था कि एंटीरियर पिचुट्री ही से होगा, उसका हार्मोन प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है। इस सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, इसको एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करती है। सीक्रेटेड बाय लैक्टोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिचुट्री विच इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है प्रोलैक्टिन और मिल्क प्रोडक्शन करता है, और मेल में टेस्टिकुलर फंक्शन। इसकी कोई क्लिनिकल प्रिपरेशन दे दी जाती है, नो प्रिपरेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोलैक्टिन डेफिशिएंट पेशेंट्स। फॉर पेशेंट विद सिम्टोमैटिक हाइपरलैक्टिनेमिया, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन सीक्रेशन कैन बी अचीव, डोपामाइन एगोनिस्ट दे देते हैं अगर ये ज्यादा हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो जाएगा, विच एक्ट इज द पिट्यूटरी टू इनहिबिट द प्रोलैक्टिन रिलीज, को कम कर देगा डोपामाइन एगोनिस्ट। ये अब ये पोस्टीरियर का बताया हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है दोनों हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी जिसे कहते हैं, और दोनों जो है वो स्टॉक के थ्रू पिट्यूटरी में आएंगी और पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और फिर पिट्यूटरी उसको जो है वेसिकल्स कंटेनिंग हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स आर रिलीज फिर वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। इसका बता दिया मैंने कि ऑक्सीटोसिन जो है ये हाइपोथैलेमस पर आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये याद रखना है कि दो हार्मोन्स है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर हो जाता है, और ये क्या यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है, लेबर में यूज लेबर करता है, और ये क्या करता है मिल्क को रिलीज करवाता है। जब सकलिंग होती है ना, जब बेबी सकिंग करेगा, सकलिंग होगी उसकी, तो मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस को कि मजीद जो है ना थ्रू नर्वस सिस्टम मैसेज आएगा कि वो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, तो विच फर्दर स्टिमुलेट द मिल्क ग्लैंड्स, ताकि मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा निकले। क्लिनिकल यूज इसके क्या है, इंट्रावीनसली देंगे, इंट्रावस्कुलरली देंगे, लेबर करता है, और कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। साइड इफेक्ट फीटल डिस्ट्रेस, के फीटल डिस्ट्रेस होता है कि फीटस इज नॉट वेल, ठीक है, कोई ऑक्सीजन वगैरह के उस पर का मसला बढ़ जाए, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका फीटस का, वो बिफोर बर्थ जो है वो रप्चर कर जाए, यूट्राइन रप्चर हो जाए, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन हो जाए। वैसोप्रेसिन एंटी डायुरेटिक हार्मोन है, और ये क्या करता है, वाटर सॉर्प्शन करता है, बेसिकली फ्लेक्टिक टिब्यूल्स जो किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। इफ देर इज हाई लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रीशन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, द किडनी रीअब्सॉर्ब्स वाटर। इफ देर इज लो लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, अगर लो लेवल एंटी डायबिटिक हार्मोन का बॉडी में, तो क्या होगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, यूरिन ज्यादा से ज्यादा डायल्यूट होगा, तो बेसिकली वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या होता है, वो रिजॉर्प्शन करता है वाटर की। और एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज इंक्रीज इफ ब्लड प्रेशर फॉल्स और ब्लड कम्स टू सॉल्टी, अगर सॉल्ट आ गया ज़्यादा हो गया,
बॉडी में, तो फिर वैसोप्रेसिन या एंटी डायुरेटिक हार्मोन रिलीज होगा ताकि वाटर रिजॉर्प्शन करे. एंटी डायुरेटिक हार्मोन कॉज पेरिफेरल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन टू, ताकि ब्लड प्रेशर राइज करे. ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को. या आखिरी ही स्लाइड है, इसमें बताया हुआ है इसके यूजेस, डायबिटीज इंसिपीडियस, डक्टोरल एड्यूरेसिस जो यूरिन ड्राफ्ट के टाइप प्रोड्यूस होते हैं, डिक्रीज डक्टोरल यूरिन प्रोडक्शन. उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट एक है, हाइपोडेट्रीडिया कर सकता है, सीजर्स कर सकता है, कॉम्बा वगैरह कर सकता है. और सिंथेटिक एंटी डायुरेटिक ड्रग्स अवेलेबल है जिसमें वैसोप्रेसिन इंट्रावीनसली इंट्रामस्कुलरली देंगे और डेस्मोप्रेसिन देंगे. ये दो देते हैं. ये वही बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर इफेक्ट करेगा कि हार्मोन रिलीज करे या हार्मोन इनहिबिट करे. फिर वो हार्मोन को रिलीज करवाएगा, टारगेट ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करेगा, टारगेट ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन कर देगा. और या फिर अगर इनहिबिट करना है तो वो हाइपोथैलेमस को कह देगा इनहिबिट करे, या फिर फीडबैक इनहिबिट रिलीज ऑफ हार्मोन टू थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी. और बस खत्म. अच्छा, कोई चीज जो अभी तक ना समझ आई हो? जरा जल्दी ही मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मेरा आधा घंटा तो वैसे ही देर होगी, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई इस पे चीज ना समझ आया तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे उसको. अच्छा, आप लोग का क्विज है तो उसका मुझे बता दे कि कब आप लोग अवेलेबल है, क्योंकि ग्रुप ए ने कहा, जो पहला ग्रुप है ग्रुप ई, उन्होंने कहा है मॉर्निंग वालों ने कि जी आप अगर साथ हम कंबाइन ले लें और नेक्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे नहीं नेक्स्ट सैटरडे. ठीक है मैम. और नेक्स्ट मैम. अच्छा, आप लोग 11 अवेलेबल होते हैं सब? मैम 11 बजे नहीं जी, मैम शाम में ले लें. चलो शाम में मैं उनको बता दूंगी. शाम मैम नेक्स्ट सैटरडे शाम में ही रखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे मिड भी है एक. अच्छा, 15 एमसीक्यूज हो गए. मैं मुझे कभी मेरे क्विज लिया नहीं अभी तक इधर यहाँ पर, तो मैं पहले ना डिस्कस कर लूंगी डॉक्टर कुरम से या जो भी रेलेवेंट है कि वो किस्सा ले रहे. फिर आई थिंक 15 एमसीक्यूज आर मोर देन इनफ, तो 15 हो गए. अच्छी तरह से थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा, ये स्लाइड्स अच्छी तरह से कर लीजिएगा. मैम आप कितना टाइम देंगे 15 MCQs के लिए? कमिंग सैटरडे आपने क्विज लेना या उससे अगले सैटरडे? पहले कितने टाइम मिलते हैं मैम? 25 to 30 minutes ऑलमोस्ट दिए हुए सबने 10 MCQs पे. अच्छा, क्योंकि मैम LMS भी दरमियान में कभी डाउन तो हो जाता ना, कभी नेट चला जाता, तो इसलिए हर बार ही होता है मैम. 3-4 बंदे इकट्ठे कर ले तो कहता है जी छुट्टी. चलो देख लेते हैं. वैसे ना सुनर 1 मिनट 1 एमसीक्यू के लिए होते हैं जो आगे मैम फिर मैम वो तो होता ना जब पेपर वजह से हमें हमेशा टाइम मिलता है, इसकी वजह से हो जाता है. मैम साइट पे लोड बड़ा आ जाता है, ये जो साइट पे लोड आ जाता है देन वो बिजी हो जाती है. यस मैम, मैं बता रही हूं कि अभी तो आप लोग एमएलटी के स्टूडेंट्स हो ना? नहीं मैम, डीपीटी के. डीपीटी के मैम. यस मैम, मोस्टली डीपीटी है. उसपे ये होता है कि जो पंजाब है ना, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूट चाहे एमफिल होता है UHS वगैरह, वहाँ पर जो है ना 1 मिनट 1 एमसीक्यू नहीं देते. 90 एमसीक्यूज होते हैं, 90 और 90 मिनट्स दिए जाते हैं उसमें करने के लिए. तो मुझे टाइम मिलता था, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तब से थोड़ा टाइम इंक्रीज कर दिया. मैम काफी स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, इनका नेटवर्क इशू हो जाता है, अपना नेटवर्क नहीं. तो मैम ये होता है कि लास्ट पे कोई एक दो क्वेश्चन रह जाता है हम लोगों का, और टाइम LMS बार बार ऑन करें ऑफ करें उसमें टाइम निकल जाता हम लोगों का. ऐसे चलो 1 एमसीक्यू के लिए 2 मिनट चले आपको दे देने चाहिए. ठीक है? यस मैम. ओके मैम. यस मैम, थोड़े से एमसीक्यू जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. फिर इंशाल्लाह मैं यही बता दूंगी कि सैटरडे को होगा, नेक्स्ट सैटरडे को, और 6:29 बन रही है उसी.
20 डाइट बढ़ गए, ठीक है। 6 o'clock से थोड़ा सा पहले कोशिश कीजिएगा कि आ जाए कि शाम मैम 5 to 6 जो है वो क्लास होती है लास्ट सैटरडे को। वैसे भी हमारी आपके साथ ही क्लास है सैटरडे को, नेक्स्ट में आपके साथ ही क्लास है, आप हमें जब फ्री कर देंगी मैम सैटरडे को क्लास नहीं रखेंगे। हाँ तो आपकी क्लास उसके अंदर मैं पूछ लूंगी उससे, उनका तो नहीं कोई क्योंकि आपकी तो क्लास होती है वरना फिर अलग अलग होती है, उसी क्लास टाइमिंग में रख लीजिएगा ना, अगर उनसे पूछ के वो सेक्शन से फिर उनका उनके साथ हो जाएगा आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। मैम क्लास टाइमिंग में नहीं भी तो 6 बजे भी स्टार्ट हो तो ठीक है, आप लोग का तो 5 बजे भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्लास हो जाएगी, लेकिन उनका मसला ना हो तो फिर अगर उनका हुआ तो फिर वो अपने मैम की लास्ट स्लॉट होता है तब फ्री होते हैं, तो आप इसके बाद ले लें आराम से दोनों क्लासेस का सेम। चलो अच्छा देख लेते हैं, चलो पूछ लूंगी दोबारा फिर आपको ई मेल कर, 6 बजे से भी फ्री होंगे सैटरडे को बता देगा, और टिल सैटरडे तक सब कुछ आएगा, जो सैटरडे को मेरे ख्याल में थायराइड हार्मोन्स पढ़ लेंगे तो वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। चले कोई क्वेश्चन या कुछ अच्छी तरह रट लीजिएगा कर लेना ये, ठीक है, कोशिश कर लीजिए यार तो बड़ा मुश्किल, हम लोग स्लाइड्स पढ़ लें। अब तो सैटरडे मैम आप बता देना ना आपने किस तरीके से बनाया है, चले मैं तो थोड़ा पेपर सेंड कर दीजिएगा ना मैम। अच्छा ठीक है, चले थैंक यू जी, ओके लाफिस लाफिस।